अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। आइए नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की ओर। खबर ऐसी थी जिसे सुनकर यूपी की राजधानी लखनऊ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गए। खबर ये भी थी कि भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी है। पुलिस हरकत में आई तो निकलकर सामने आया कि भाजपा सांसद के बेटे ने अपने साले से ही खुद पर गोली चलवाई थी। गोली कुछ इस तरह से मारी गई थी कि कुछ घंटों के बाद ही भाजपा सांसद के बेटे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सांसद ने भी अब घटना की तहरीर देने से इनकार कर दिया है। मामले में नए मोड़ के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि जब अपने ही पार्टी के सांसद के बेटे ऐसी घटना करेंगे अथवा कराएंगे जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाए तो फिर विपक्ष क्या करेगा। बेटे के साले ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने ये भी बताया कि चंदन गुप्ता मनीष जायसवाल प्रदीप सिंह को फंसाने के लिए ये नाटक रचा गया था। आयुष ने कहा था कि ऐसा कर वे इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। आदर्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली मारने की यह घटना बीती देर रात 2:10 की बताई गई है। पुलिस ने ही सड़क पर घायल अवस्था में पड़े भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था। बकौल भाजपा सांसद ये घटना तड़के टहलने के दौरान हुई। आयुष अपने साले के साथ टहल रहा था। वहीं शुरुआती दौर में दावा किया गया था कि आयुष मडिया होकर लौट रहा था, तभी छठा मील के पास बाइक सवार बदमाशों ने आयुष को गोली मार दी। सत्ताधारी सांसद से जुड़ा मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सांसद व पुलिस के आला अफसर ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आयुष को छुट्टी दे दी गई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने बताया कि पहले बताया गया था कि सांसद पुत्र को बदमाशों ने गोली मार दी है, लेकिन तहकीकात में पता चला कि बेटे के कहने पर उसके साले आदर्श ने उस पर गोली चलाई है। साले को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में निकलकर सामने आया है कि कुछ लोगों को इस केस में फंसाने के उद्देश्य से इस कांड को अंजाम दिया गया। बकौल पुलिस कमिश्नर, जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। दरअसल पिछले साल ही सांसद के बेटे ने लव मैरिज की थी। आयुष ने शादी के बाद घर छोड़ दिया था और घटनास्थल से कुछ ही दूर किराए पर मकान लेकर रह रहा था। आयुष के प्रेम विवाह से उसके परिजन खुश नहीं थे, साथ ही लड़की के घर वाले भी नाराज हुए थे। आयुष की माँ जया देवी कौशल भी महियाबाद से भाजपा की विधायक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।